हरिद्वार में धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे प्रशासन के अभियान में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। मामले में डीएम से मिलने पहुंचे कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस के 5 विधायकों के दल ने जिलाधिकारी पर वादा खिलाफी और मनमानी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और फुरकान अहमद का कहना है, प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर मनमानी कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ रणनीति बनाकर इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा रही है। विधायकों के साथ बैठक कर चर्चा हुई है, लेकिन मीटिंग से बाहर जाकर उन्होंने क्या आरोप लगाया उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जिलाधिकारी से मुलाकात करने वाले विधायकों में विधायक ममता राकेश, अनुपमा रावत और वीरेंद्र भाजाति भी मौजूद रहे। नदीम सलमानी, ब्यूरो चीफ, हरिद्वार। कि पूरे शहर का करोड़ों रुपए का नुकसान करा गया था और आज तक वो रोड चौड़ीकरण कभी नहीं हुआ। यही बात हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन डीएम साहब को बताई थी कि डीएम साहब, सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है उसको लोगों की भावनाओं का सम्मान रखिए। वहाँ मुस्लिम की भावना नहीं है, ये हिंदू विधायक बोल रहा है आज यहाँ पे सड़क पे। ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। हम वहाँ खड़े थे, हमने बात की। बैठक में डीएम साहब ने पूरा एक्सेप्ट किया। मुझे तो लगता है डीएम साहब बेचारे हैं, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो ऊपर का आदेश मान रहे हैं। ये भाजपा सरकार की सोची समझी राजनीति है। 2024 में उन्हें हिंदू मुस्लिम करना, उसी की मार्फत ये जो है ये समाधि तोड़ी गई। कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है प्रशासन तो कोर्ट का। यार कोर्ट के आदेश तो पहले भी आए थे ना, जब जगजीतपुर का रोड छोड़ा कर रहे थे लक्सर वाला। क्या आज तक वो रोड बना है? एनक्रोचमेंट आज नहीं है वहाँ पे बिजली मीटर को लेके चीजें हैं, आप समझ सकते हैं। डीएम साहब ने सीधा सीधा बोला, मैं अपने वादे से पलट गया। मुझे डीएम साहब की मजबूरी इसमें साफ साफ दिखाई दी। क्या कर सकते हैं हम तो बोले हैं, आप ओपन है, हमारा घर भी तोड़ दीजिए। सरकार आपकी है, सीएम आपका है, आप तोड़ो। एलआईयू से रिपोर्ट ले लो कि मेरे घर पे भी। रीजन सुनिए क्या है। रीजन ये है कि मुजफ्फरनगर से, मेरठ से लोग आ रहे थे, इसलिए हमारे पे प्रेशर था तोड़ने। भाई कौन से लोग आ रहे थे, कौन सा जनसैलाब? यहाँ के लोग तो कुछ करा नहीं किसी ने, ये कौन सी बात होती है? देखिए उमेश हमारा भाई है, हमारा साथी विधायक है, बट इन्होंने उनके साथ क्या गुफ्त की, क्या कमरे में बैठ के बात की। 5 विधायकों को तो बोला हम छुट्टी पे हैं, हम आपसे कल मिलेंगे। उनसे जो है सेकंड हाफ में ये दिन में मिल लिए। अब उनसे क्या बात हुई है वो उमेश भाई से पूछो जाके कि उमेश ने क्या बात की है और किस आधार पर वो समाधि तोड़ी गई है। नहीं कर लेंगे तो हमने ये पूछा कि डीएम साहब, जब आपने टाइम दिया था तो उसके इंतजार कर दे। तो उसमें डीएम साहब ने कहा हाँ, मैंने जो तोड़ना है तोड़वा दी और जो करना करो। मान इस तरह की एक विधायक को धोखा देना वो अच्छी बात नहीं है, बस बात है। अब जो भी हम अपना सलाह करेंगे, जो भी आपका हमारा हाईकमान होगा, हम निर्णय लेंगे। कुछ नाराजगी के साथ बाहर निकले हैं कि कुछ वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ मीटिंग में रहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए ये हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और सम्मानित जनप्रतिनिधियों से इन्होंने समय लिया था, सभी को समय दिया गया था। हालांकि इनके साथ और भी काफ़ी लोग आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सभी से बैठ के बातें सुनी गईं। मेन इशू वही उनका कहना था, लेकिन ऐसी जो उनके द्वारा कहा जा रहा है ऐसा कोई आश्वासन भी इनको नहीं दिया गया था। और प्रशासन जो भी काम करता है वो देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रख के करता है। चूँकि ये प्रकरण हाईकोर्ट पे गया था, लेकिन बाद में ये जानकारी आई कि ये इसको डिफेक्ट मिट पड़ गई थी रिट, ये बड़ी लंबे समय की संभावना हो गई थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का सविता कुमार का बड़ा स्पष्ट आदेश है, उसकी कॉपी मैं आप लोग को दे दूँगा। उसमें यहाँ तक कहा गया है, यदि सार्वजनिक मार्ग पर कोई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो उसमें आपको नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। इनको बाकायदा एक सप्ताह का समय दिया गया और इनके कम से कम 4-5 डेलीगेशन अलग अलग आ गए। किसी डेलीगेशन का कुछ कहना था, किसी का कुछ कहना था, एक डेलीगेशन सहमत भी था कि हाँ उसको हटा दिया जाए सम्मानपूर्वक। लेकिन बाद में जब ये परिस्थितियाँ बनने लगी